हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूँ, आज हम गए थे जोशीमठ से वापस जा रहा हूँ, और रास्ते का बहुत ही बुरा हाल है। जब मैं सुबह में जोशीमठ आया था तो उस टाइम अंधेरा था, तो मैं आपको दिखा नहीं पाया रोड की स्थिति। तो दोस्तों, मैं आपको आज रोड की स्थिति दिखाता हूँ, जो कल्पेश्वर महादेव पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव का जो मोटर मार्ग है, उसकी स्थिति दिखाता हूँ आज आपको। रास्ते की ऐसी स्थिति हो सकती है, जहाँ टूटने लायक नहीं था वहाँ टूट रखा, और जहाँ नहीं टूटने लायक था वहाँ पूरा ही टूट रखा दोस्तों। तो दोस्तों, दिखाऊंगा आपको। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आपको दिखाता हूँ जो रास्ता है उसके क्या हाल है, और आपको मैं एक सजेशन दूंगा दोस्तों। अभी बरसात का मौसम है, तो दोस्तों अभी ट्रैवल करना बंद करें, और क्योंकि आप कहीं भी जाते हो तो आप लोग वहीं फंस जाओगे। तो मेरे ये सजेशन रहेगा दोस्तों, अभी ट्रैवल मत करो, और बाकी बरसात का मौसम है तो सेफ घर पे रहो। तो दोस्तों, आगे दिखाता हूँ रोड की स्थिति, तो बहुत ही बुरी स्थिति है दोस्तों। तो स्टार्टिंग करूँगा मैं अपने यहाँ पे, जो हेलंग से कम पाँच छः किलोमीटर ऊपर है, क्योंकि यहाँ से नीचे मैं वीडियो नहीं बना पाया था अनफॉर्चुनेटली। और तो मैं यहाँ से स्टार्टिंग करूँगा दोस्तों, यह है रोड की स्थिति, और यहाँ से नीचे देख लो दोस्तों, यहाँ मतलब नीचे से आजकल एक रोड नई कटिंग हो रही है, तो यहाँ से नीचे दोस्तों नई कटिंग थी, तो इसलिए ये धंस गया यहाँ पे पूरा। और रोड की स्थिति यहाँ पे तो यह है, पर दोस्तों अभी जो आपको ये रोड दिख रहा है बिल्कुल सेफ है। तो दोस्तों, आगे दिखाता हूँ रोड की स्थिति क्या है, तो दोस्तों बने रहें और देखते रहें वीडियो, आगे देखते हैं। तो अभी मैं वहाँ से थोड़ा सा आगे आया, और मैं आपको दिखाता हूँ रोड की स्थिति क्या है अभी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे पीछे ये रास्ता है, और ये रास्ता आपको सीधा जाके आप यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे। तो इस यहाँ से और यहाँ के बीच का पोर्शन देखो दोस्तों, ऊपर से नीचे पूरा पहाड़ बन चुका है। और दोस्तों, मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकता हूँ दोस्तों कि कभी यहाँ पे ऐसा हो सकता है। और दोस्तों, जो जहाँ से ये टूटा है, यहाँ ऊपर नहर है, जो यहाँ पे पावर हाउस है, तो यहाँ से यहाँ ऊपर से ये नहर है, और नहर के नीचे से ये पूरा नीचे आ चुका है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति है, कभी कभी बहुत बुरा लगता है, अपनी रोड ख़राब हो चुकी है पूरी। तो नदी दिखाता हूँ मैं आपको, ये कल्पगंगा है दोस्तों, ये इतनी ज़्यादा कभी नहीं रहती है दोस्तों, तो इस बार कुछ ज़्यादा ही रह गई। तो दोस्तों, ये कल्पगंगा है, आप देख सकते हो, ये भी उफान पे अपने। तो रास्ते का देख रहे होंगे यहाँ पे रास्ते का हाल, ये देखो पूरा यहाँ से नीचे आ गया दोस्तों। और जो हमारा जो रास्ता था मोटर मार्ग, तो दोस्तों ये था पूरा मोटर मार्ग। और अभी आपको भरोसा नहीं होगा कि यहाँ पे पैदल चलने में भी डर लग रहा है दोस्तों, कहीं ऊपर से कुछ ना आ जाए। तो दोस्तों, ये रोड की हालत देखो, बहुत ही बुरी दोस्तों। और पैदल ये देखो दोस्तों, यहाँ से आ गया पूरा, और ये गाड़ी का मोटर मार्ग था, तो ये पूरा एक जैसा हो गया। और जो पैदल आवाजाही कर रहे हैं यहाँ से उधर कर रहे हैं दोस्तों, तो ये हाल हो गए दोस्तों रोड के बरसात में। तो पहले निकलते हैं यहाँ पे से, क्योंकि ऊपर से भरोसा नहीं, ये देखो ऐसे रास्ते में जाना पड़ रहा है यहाँ पे, जबकि मोटर मार्ग हुआ करता था। तो देख लो दोस्तों, बहुत ही बुरा हाल है। तो अभी मैं वहाँ से आगे आ रहा हूँ, और अभी मैं पैदल इसलिए जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो मैं बाइक लेकर स्कूटी लेकर आया था वो इस तरफ फंस गया, और जो मैं आगे से आ रहा हूँ तो मैं उधर जोशीमठ से आ रहा हूँ अभी। और ये देखो दोस्तों, पानी इस तरफ भर गया रोड, और जो बाकी गाड़ियाँ हैं ऊपर से यहाँ पे तक आ रही है, कम से कम 5-6 किलोमीटर आ रही है बस। तो आगे दिखाऊँगा, भाई साहब रोड क्या हालत देखो, माय गॉड, ओ भयंकर। ओ माय गॉड, ये है मोटर मार्ग, और रास्ते मार्ग का इतना बड़ा पत्थर, और यहाँ पे लगभग यहाँ पे मस्तान भाई का घर था, यहाँ पे आपको लग नहीं रहा है यहाँ पे घर था होगा। तो मस्तान भाई से पूछते हैं कब और कैसे भाई। तो दोस्तों, ये है मस्तान भाई, और नमस्कार बोल दिया भाई ने। तो दोस्तों, यहाँ पे इनका घर था, तो भाई ये कब और कैसे हुआ? ये
कब? परसों भाई बारी परसों सुबह तो परसों सुबह में यहाँ पे बारिश पड़ी 4-5 बजे के लगभग, और उसके बाद जैसे ही बारिश पड़ी दोस्तों तो इनका यहाँ पे घर था, दुकान भी थी, घर और दुकान दोनों एक साथ था, मतलब दुकान भी चलाते थे और उसी दुकान पे इनका आशियाना भी था, तो दोनों अभी नहीं रह गए यहाँ पे। तो अब मस्तान भाई कहाँ पे रहोगे? रोड पे है तो नहीं, मतलब अब कहाँ पे बनाओगे घर यहाँ पे? कैसा हो गया? तो दोस्तों अब ये अभी मतलब ऐसे ही नॉर्मली छप्पर टाइप का बनाएंगे यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो दोस्तों ज़रूर आगे करें मस्तान भाई के लिए, तो देखते हैं आगे। अभी तक ये इधर तो थोड़ा बहुत ठीक है दोस्तों, तो ऊपर को दिखाता हूँ मैं आपको और रोड की हालत है कैसी हो रखी। बहुत ही बेकार दोस्तों। ओ माय गॉड। तो दोस्तों देख लो रास्ते की हालत बहुत ही ख़त्म हो रखी दोस्तों। ये देखो यहाँ से, देखो यहाँ से दोस्तों स्टार्टिंग है टूटना, और यहाँ से आगे 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 दोस्तों ये देखो पूरा धस गया दोस्तों। ये देखो माई गॉड दोस्तों, बहुत ही खतरनाक और का भाई साहब। ये देखो पूरा जा रखा दोस्तों, ये रोड थी, रोड ये कम से कम 1 मीटर से नीचे जा रखा दोस्तों। ये देखो और रास्ते का ये देखो दोस्तों, पंच केदार का मोटर मार गया दोस्तों, जो यहाँ से नीचे बह चुका, कुछ यहाँ से टूट गया, कुछ ऊपर से आ रहा है। तो दोस्तों बहुत ही बुरी, दोस्तों बहुत ही बुरी स्थिति है रोड की, और आप देख ही रहे होंगे अभी मैंने आपको दिखाया रोड की स्थिति। ये देखो पूरी पूरी ख़त्म हो चुकी दोस्तों, यहाँ से तो रास्ता ही नहीं है, सिर्फ बाइक ही आ जा सकती है वो भी रिस्क से। और ये देखो ये पूरा यहाँ से और ये पूरा यहाँ तक पूरा रोड ब्लॉक हो चुका दोस्तों, रोड पूरी टूट चुकी है। तो इसका आप देख सकते हो कि आजकल में मतलब बरसात के मौसम में ट्रैवल करना कितना भारी हो सकता है। तो देख लो दोस्तों और आगे दिखाता हूँ रोड की हालत कैसी कैसी है। बेकार हो चुकी दोस्तों, मैं बता नहीं सकता आपको, इतने बड़े बड़े पत्थर आ रखे दोस्तों और पूरा पानी रास्ते, देखो पत्थर देखो कहीं पे भी अचानक आ जा रहे, और रास्ते काल देखो दोस्तों, ये है उर्गम घाटी, पंच केदार कल्पेश्वर महादेव का रास्ता है ये आजकल में। ये देखो ओ माय गॉड ओ भयंकर के, ओ भाई साहब आराम से ओ मेरो ओ भाई साहब ओ माय गॉड दोस्तों करके दोस्तों पूरा ही पेड़ रास्ते में आ रखा भैंग। तो दोस्तों देखो रास्ते की स्थिति, पूरा पानी जा रहा है और ये पूरा ऊपर से आ रखा दोस्तों, बहुत बेकार स्थिति है बहुत ही ज़्यादा। ओ माय गॉड दोस्तों, भाई साहब ये रास्ता है कि और कुछ है? देखो दोस्तों ओ माय गॉड भाई साहब, रास्ता तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है। ये देखो ओ भाई साहब ये रास्ता नहीं दोस्तों, खेत में गाड़ी चला रहे हैं, खेत में लग नहीं रहा हम कहीं मतलब मोटर मार्ग पे सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं। ओ माय गॉड क्या रास्ता है दोस्तों, ये देखो कहीं से भी आ जा। ओ मिगो दोस्तों कुछ नहीं बोला जा रहा, बस ओमिगो मुँह से आ रहा, क्योंकि ओमिगो कल पता नहीं कोई एक्शन कैमरा देख रहा। ये है दोस्तों उर्गम मोटर मार्ग, बहुत ही ख़त्म स्थिति में है, क्या बोला जाए दोस्तों क्या बोला जाए। ये देखो दोस्तों बाप रे, ये ऊपर दोस्तों रास्ता है, ये यहाँ पे रास्ता है दोस्तों, यहाँ से नीचे पूरा टूट गया है दोस्तों, यहाँ से नीचे पूरा टूट गया और ये नदी टाइप की बह गई, जबकि यहाँ पे कुछ आता भी नहीं था दोस्तों। तो देखो स्थिति बहुत ही बेकार
ये देखो तो रास्ते में गड्ढे दोस्तों, बहुत ही ओह माय गॉड। तो दोस्तों बहुत ही किच बिचोर का, ओह माय गॉड। ये देखो दोस्तों, ये है रास्ता आज का लोर का। और दोस्तों जो ये आपको रास्ता दिख रहा होगा, ये रास्ता है नहीं एक्चुअली, एक पूरी गैलरी बन चुकी है। यहाँ देखो, हल्का से यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये पूरी नाली टाइप की बन गई, पूरी नाली टाइप की। यहाँ पे बाइक जाना ही मुश्किल है, तो बाकी गाड़ी का तो क्या बोलना दोस्तों। देखो बहुत ही बेकार। ओह माय गॉड भाई, ये रास्ता नहीं भाई साहब, बहुत भयंकर रोड गए। ओ भाई, ये देखो दोस्तों, नहर जा रही, नहर रास्ते में, नहर जा रही गाड़ी के सड़क में, नहर जा रही बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं। ओ माय गॉड, ओ भाई साहब, दोस्तों क्या बताऊँ, रास्ता मेरे को बहुत ही बुरा अभी तक मिला नीचे से। ओ भाई साहब, ये रास्ता नहीं दोस्तों, बहुत ही भयंकर हो रखा। ये देखो दोस्तों, ओ भाई, इतने बड़े बड़े पत्थर। ओ भाई, ये देखो दोस्तों, ये कोई रोड है क्या? ये देखो रोड है क्या? यार रोड ही नहीं है दोस्तों, ये रोड पूरी बह चुकी है। ये देखो पूरी रोड। ओ माय गॉड, वाटर क्रॉसिंग। ओ भयंकर के दोस्तों, पहुंच चुका हूं मैं घर, और मैं यहां से आगे नहीं जाना चाहता क्योंकि रोड की स्थिति बहुत ही बेकार है दोस्तों। और ये देखो गाड़ियां सारी इधर लगी है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। तब तक के लिए बाय, टिल देन बाय, गुड बाय।